हेलो फ्रेंड्स, तृप्ति शाह फ्रॉम ट्रिपल IM हमें आज पूछ रहे हैं #AskTripleIM में दीपांजन बुनिया 2091 पूछ रहे हैं हमें, इज इट मैंडेटरी टू हैव अ GST रजिस्ट्रेशन टू डू AD कोड रजिस्ट्रेशन। सवाल ये बता रहा है पांजन जी कि आप नॉलेज रखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और ये नॉलेज ऐसा है कि आपको इसमें सवाल आया है, कंफ्यूजन आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी एक्सपोर्ट हो, कोई भी इंपोर्ट करना हो, कोई भी एक्सपोर्टर हो, यानी कि यहाँ से सामान दूसरे देश में भेज रहा है, कोई भी इंपोर्ट करना चाह रहा है, इंडिया में GST रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ GST नंबर एंड ऑल्सो टू पे द GST बिफोर द एक्सपोर्ट और ड्यूरिंग द इम्पोर्ट टू द गवर्नमेंट, वॉट एवर इज एप्लीकेबल। ये जरूरी है। अब AD कोड क्या है? AD कोड जो है वो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर है जो बैंकों को मिलता है RBI से। ये क्या है? ये RBI बैंक को एक ऑथोरिटी देती है, ऑथोराइजेशन देती है कि आप फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं। सो दैट बैंक विल हैव एन AD कोड टू डील इन फॉरेन करेंसी। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपका बायर फॉरेन करेंसी में आपकी बैंक में पैसे जमा करेंगे, या आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप आपकी बैंक में से फॉरेन करेंसी में पेमेंट आगे के सप्लायर को भेजेंगे। तो ये जो फॉरेन करेंसी का मामला है वो बैंक करे या ना करे, ब्रांच करे या ना करे, तो ये मामला है AD कोड का। RBI का ऑथोराइजेशन इनको होता है, इस पे काम करने की परवानगी मिलती है। AD कोड रजिस्ट्रेशन हम इसीलिए कर रहे हैं कस्टम्स में, क्योंकि AD कोड से पता चलता है यही बैंक है, यही ब्रांच है। तो AD कोड रजिस्ट्रेशन कस्टम्स में करने के लिए GST जरूरी नहीं है, पर GST अलग मुद्दा है, वो भी चाहिए, और AD कोड भी रजिस्टर करना होता है कस्टम्स में। तो ये दोनों अलग अलग मामले हैं और आपको दोनों ही चाहिए। आई होप दैट यू हैव गॉट योर आंसर दीपांजय। और ये जवाब थोड़ा सा पेचीदा है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत शायद हो, पर आप इतना याद रखिएगा कि GST अलग है, GST हमें सरकार को भरनी होती है, AD कोड बैंक का कोड है जो आपके बैंक या ब्रांच आपको देती है, और उससे कस्टम्स वाले आपकी ब्रांच को पकड़ लेते हैं, यानी कि आपकी ब्रांच को समझ लेते हैं कौन सी है। तो ये रजिस्ट्रेशन करना अलग चीज़ है, GST अलग चीज़ है। थैंक यू सो मच।